Every year, the last week of April is celebrated as World Immunization Week around the world to spread awareness about the importance of vaccines and immunization for ensuring human health and well-being. Immunization saves lives. It protects us, our families, and our community. Immunization helps protect future generations by eradicating diseases. Many infectious diseases are today rare or have been eradicated through immunization programs, but new diseases are appearing around the world. As we have seen in the fight against COVID-19, vaccines save lives. Immunization is a simple and effective way of protecting people from life-threatening diseases. Our frontline health workers are true warriors, putting duty before self to ensure that people are vaccinated and safe. Today, I'm joined by two young health professionals from the beautiful and remote region of Kinnaur in Himachal Pradesh, Dr. Anvisha Negi and Mr. Subhash Pancharis. Anvisha is the District Immunization Officer for Kinnaur. She is the youngest District Immunization Officer to be appointed in Himachal Pradesh. Subhash is a frontline health supervisor in Recompio. Through the dedicated efforts of health workers in October 2021, Kinnaur became the first district in the country to have vaccinated 100% of its eligible population against COVID-19. So let's find out more about them and their work. So Anvisha, आपने बहुत ही कम उम्र में काफी responsibility वाला काम संभाला है. ये आपने जो career चुना है, उसके पीछे आपकी क्या motivation रही? हेलो मनुषी, मोटिवेशन अगर मैं बताऊं आपको तो द बिगेस्ट मोटिवेशन इज आई कैन गो इन टू द पीपल एंड आई कैन डू फॉर देयर हेल्थ फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ्स. बेसिकली आपने जैसा बताया कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इट्स अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे हमारा एक बॉर्डर तिब्बत से भी लगता है. यहाँ पे यहाँ का ट्रेन अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ट्रेन है एक घर से दूसरे घर जाने में ही लगभग 30 मिनट्स भी लग जाते हैं. द पॉपुलेशन इज वेरी स्कैटर्ड एंड ट्रेन इज टू डिफिकल्ट. प्लस यहाँ फैसिलिटीज जो हैं हमारी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तो फॉर हायर एजुकेशन वी हैव टू मूव आउट एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लेडी हार्डिंग दिल्ली एंड देन आफ्टर डूइंग पीजी फ्रॉम पीजी रोहतक आई रियलाइज्ड कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, जो हमें यहाँ रहते हुए नहीं मालूम होता था. तो वहाँ से मोटिवेशन हुआ कि आई कुड डू समथिंग फॉर माई पीपल. आई कैन गो बैक टू देम, आई कैन सर्व देम. एटलीस्ट उनकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज उनको इम्प्रूव किया जाए, नॉट ओनली बाई सिटिंग इन एन ओपीडी. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बाई गॉड्स ग्रेस एंड बाई माई पेरेंट्स ब्लेसिंग दैट आई वॉज चूजन एज डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर. एंड उसके वजह से मैं एक टाइम में कई सारे लोगों को सर्व कर पा रही हूँ. सो इम्यूनाइजेशन में जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारी डिजीजेस हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती हैं और हमारे एरिया में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ से टर्शरी लेवल फैसिलिटीज बहुत दूर है. शिमला यहाँ से 6-7 घंटे की दूरी पे है, तो अगर बीमार हो गया तो जाना मुश्किल है. तो इट्स ऑलवेज बेटर वैक्सीनेटेड एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स रादर देन गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट. सो ये ड्राइव्स हैं कुछ जो मुझे अपने लोगों से उनको हेल्प करना, उनको सर्व करना, ये मोटिवेटेड रखता है. सो दिस इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन आई गेस. अच्छा, थैंक यू अनवीशा जी. इवन माय पेरेंट्स आर फ्रॉम पीजीआई रोहतक. उन्होंने अपनी एमबीबीएस और एमडी रोहतक से की है. सुभाष जी, इतने रिमोट एरिया में इम्यूनाइजेशन करना काफी मुश्किल काम है, जहाँ पे वेदर एंड टेरेन दोनों ही चैलेंजिंग है. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप उनसे कैसे उबरते हैं. नमस्ते मैडम. यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी 16 जून 1988 को. 33 ईयर्स हो गए मुझे नौकरी करते हुए. तो तब में है, अब में तो काफी फर्क है. लेकिन तब जो होता था कि कोल्ड चेन पॉइंट से जहाँ बेनिफिशियरी तक वैक्सीन पहुंचाना ही सबसे मुश्किल काम होता था,
क्योंकि नेक्स्ट डे वैक्सीनेशन डे होता था तो हमें आज आना पड़ता था। वो भी पहले जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ से मुझे पहले 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, फिर वहाँ से बस मिलती थी अगर किस्मत में हो तो, ना हो तो फिर 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर हमें जो कोल्ड चेन पॉइंट होता है PSC में, तो वहाँ पे आके पहले दिन वहाँ आके फिर मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके कि नेक्स्ट डे सुबह मुझे वैक्सीन चाहिए, तो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे वैक्सीन लेके बस में जाना, फिर वहाँ से उतर के NH पे बस 2 घंटे के बाद छोड़ देती थी, फिर वहाँ से फिर ऑन फुट जाना 4-5 घंटे, तो फिर वहाँ जाके फिर दिन में फिर वैक्सीन लगाना। तो तब तो इतना सारा होता था, अब तो क्या गाड़ियाँ रोड्स खुल गए हैं गाँव गाँव तक, लेकिन रोडों की हालत ऐसी है कि गाड़ियाँ जा नहीं पाती, कच्चे हैं। तो फिर भी अभी भी कहीं कहीं जो है 1/2 घंटे से लेके 3-4 घंटे तक अभी भी पैदल चलना पड़ता है। और सर्दियों में तो विंटर्स में तो ऐसा होता है कि वैक्सीन पहुंचाना बहुत मुश्किल है। एक तो हमें वैक्सीन को जमने से बचाना होता है और कैरियर उठा के फिर पैदल चलना होता है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी अब पहले से अब काफी चेंज हो गया है, फिर भी आप डटे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई बार हमारी टीम्स जो है बर्फ में भी फंस जाती थी। एक बार जैसे पल्स पोलियो हुआ था तो हमारी एक गांव है चितकुल, वहां से टीम पोलियो ड्रॉप्स पला के वापस आ रही थी, तो रास्ते में बर्फ बहुत पड़ गई तो रास्ते में फंस गए थे। तो सुबह ITBP और गांव वालों ने जाके उनको रेस्क्यू करके ले आए थे बचा के, और रात को बाहर ही रहे थे किसी गुफा में। अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सुभाष जी। अन्वेषा जी, आई आस्क यू दैट एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, आपकी सबसे रोमांचक या सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। ओके, सो सबसे रोमांचक मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा ये था जब हमने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज कोविड वैक्सीनेशन में हमने अचीव किया, अडल्ट पॉपुलेशन को दोनों डोजेस लगाना, एंड वी वर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू डू दैट। तो दैट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि उसके हमारा ये जो डोज कवर किया था हमने अक्टूबर में किया था, एंड उसके बाद हमारे विंटर शुरू हो जाते हैं, स्नोफॉल हो जाते, तो अगर हम वो नहीं करते, अगर थोड़ा डिले हो जाता, तो इफ कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता तो वहाँ से ट्रैवल करना, उसको ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो वो बहुत एक्साइटिंग था, हमने दिन रात मेहनत करके, मेरी टीम जो थी फील्ड में सब लोगों ने, इवन रात रात को, हमारे यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, नेटवर्क नहीं रहता कई गाँव में, तो टावर्स ही नहीं है, तो हमने फिर भी मैनुअल रिकॉर्ड रख के कोविन पोर्टल पे सबको रात रात भर बैठ के अपलोड करके डेटा सबको, एक इवन घर घर जाके हमने हिल टॉप्स तक जाके हमने लोगों को वैक्सीनेट किया। तो दैट वाज रियली एक्साइटिंग। एंड इसी दौरान जब हमारा ये स्टार्ट हुआ था तो ट्रेनिंग देने के लिए हमें जाना था, एक पू डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है हमारा यहाँ पे पू ब्लॉक, वहाँ पे जाना था, मुझे जाना था मेरी टीम को ट्रेनिंग इम्पार्ट करने। तो द नेक्स्ट डे मुझे जाना था, और उससे एक दिन पहले बहुत मेजर लैंडस्लाइड हो गया, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे और रोड पे, वहाँ पे एक व्हीकल को उन्होंने क्रश कर दिया, एंड 3 पीपल डाइड ऑन स्पॉट, एंड एवरीबडी वाज सो स्केयर्ड कि हम नहीं जाएंगे अब कैसे होगा। बट हमने क्योंकि इस ड्राइव को आगे चलाना था तो हमारी टीम पीछे नहीं हटी, एंड वी वर लाइक कि नो वी विल गो, एंड थ्रू आउट द जर्नी वी वर लुकिंग कि हाँ कोई पत्थर ना गिर जाए, कोई कुछ नहीं है, फिंगर्स क्रॉस करके वी वर ऑन द वे to that block, and finally we reached there, and training was successful, and we came back, and it was really exciting and a very good experience. I mean, that's both scary and exciting, but kudos to you. Subhash ji, दूर दराज के इलाकों में कई बार लोगों को वैक्सीन से थोड़ी हेजिटेंसी होती है, आप कैसे इसे दूर करते हैं और लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? जब मैंने अपना जॉब शुरू किया था तो हेजिटेंसी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों में होता था, तो हम खुद उनको जाके पेरेंट्स को समझाते थे, वैक्सीन के बारे में बताते थे, फिर अगर वैसे अधिकतर मान जाते, कुछ जो नहीं मानते थे तो हम गांव के जो प्रधान या जो रिलीजियस जो अलामा होते हैं हमारे जो प्रधान, उनको बोल के, या फिर हमारे जो MOs मेडिकल ऑफिसर्स विजिट करते थे साइड पे, उनके के थ्रू करते थे। फिर कोविड पीरियड के दौरान
भी जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बाद दोबारा वैक्सीनेशन करना था, तो उस टाइम माँ बाप डर रहे थे कि हमारे बच्चे को कहीं इन्फेक्शन ना हो, तो ला नहीं रहे थे। तो जब दोबारा वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले हमारे हिमाचल में एक्टिव केस फाइंडिंग एसीएफ हुआ था कि घर घर जाके हमने हर घर जाके उनको पूरे फैमिलीज का डिटेल अपलोड किया था पोर्टल पे। तो उस टाइम भी हमने पेरेंट्स को समझाया कि बच्चों को लेके आना है, और उनको हमने टाइमिंग दिया आशास के थ्रू टाइम स्लॉट्स बुक किया उनका कि आप एक फैमिली इतने बजे आएगी, दूसरी फैमिली इतने बजे आएगी। तो इस तरह से हमने क्या कहते हैं वैक्सीनेशन शुरू किया, और पूरा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हुए तो दोबारा से वैक्सीनेशन शुरू किया, और किसी बच्चों को वैक्सीनेट कोविड नहीं हुआ। तो इस तरह से अच्छा ओके अन्वेषा, there are many many young girls who aspire to become doctors, unko aap kya message dena chahenge? Right, so young girls ko mera ye message rahega ki if you want to serve people through your profession, and the medical profession is the, I think one of the best profession to go for, because is profession, although it is a bit challenging profession, आपको काफ़ी ज़्यादा आप सुबह शाम दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, एंड कोविड टाइम्स में भी ऑल हैव सीन कि हमें एक्स्ट्रा एकदम हार्ड वर्क करना पड़ा है, बट एट द एंड ऑफ द हार्ड वर्क एंड एट द एंड ऑफ ऑल द चैलेंजेस व्हेन पीपल से कि ओ थैंक यू डॉक्टर फॉर सेविंग माय लाइफ, एंड दैट फीलिंग एंड दैट सेटिस्फैक्शन एंड दैट दैट हैप्पीनेस वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट, सो इट्स अ बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो इफ यू वॉन्ट टू गो then you need to work hard, you have to be mentally prepared that you have to work hard and work sincerely, work compassionately, and definitely go for it. It's a very good profession. Definitely, I think medicine is one of the most rewarding professions jahan pe aap dusron ki help kar sakte hain. Yeah. So Subhash ji, one final question to you. Aapne kaise ensure kiya ki sabhi logo ko COVID ka vaccination lage? कोविड का वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरू हुआ, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुरू हुआ, फिर हमारे सीनियर सिटीजन्स को शुरू हुआ, तो हमने कोशिश किया कि सभी को वैक्सीन लगे और वैक्सीन वेस्टेज को मिनिमाइज करते हुए कि सबको वैक्सीन देना, वैक्सीन भी बचाना था। तो हमने शुरू किया सीनियर सिटीजन्स को, जब शुरू किया तो ऐसा था 4 बजे हमारा जो सेशन एंड होता था तो कई बार 2-3 बुजुर्ग रह जाते थे, तो हमें 10 लोग चाहिए होते थे क्योंकि 10 डोज का वायल होता था एक, तो हम उन 3 लोगों को वापस नहीं करते थे, हम अरे जो सराउंडिंग के पंचायत होते हैं वहाँ संपर्क करके आशा वर्कर्स या हम खुद प्रधान से संपर्क करके तो 7 लोग और ढूंढ के लाते थे या प्रधान से भी लाते थे, कई बार गवर्नमेंट व्हीकल्स में लाते थे, कई बार हम जाके खुद अपनी व्हीकल्स में भी लेके आते थे, तो उनका वैक्सीनेशन शुरू किया, वैक्सीन वेस्टेज हमने बचाया उसका। उसके बाद फिर हमने अप्रैल माह से जो घर वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ सकते थे, जो फिजिकली वो थे असहाय लोग थे, जो बुजुर्ग थे जिनका घर रोड से काफ़ी दूर था, वो चल नहीं पाते थे, उनके लिए हमने फिर घर जाके वैक्सीनेशन भी शुरू किया। तो पहले तो हमने वैक्सीन वेस्टेज असहाय लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए शुरू किया था, लेकिन जून से हमने घर घर जाके लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन शुरू किया था, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते थे, जो हमारे माइग्रेंट लेबर होते हैं, समर्स में हमारे लोग ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे, तो वो उतरते नहीं हैं, तो वहाँ जाके उनको भी वैक्सीनेशन किया। तो हमने जून से काफ़ी लार्ज स्केल पे शुरू किया था, और बाद में यही जाके हर घर दस्तक के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो किया था और किन्नौर मॉडल का नाम दिया था इसको माननीय हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने। तो फिर जब हम फर्स्ट डोज, इस तरह से हमने 30 जून को फर्स्ट डोज एलिजिबल पॉपुलेशन को हमने लगा दिया था। उसके बाद जब सेकंड डोज शुरू हुआ तो हमें उस टाइम काफ़ी मेहनत करना पड़ा, क्योंकि हमें फिर उस टाइम वैक्सीनेशन टीम्स बना के दूर दूर तक भेजना पड़ा, 4-5 घंटे चल के हिल टॉप्स पे जाके वैक्सीनेशन करना पड़ा लोगों को, और पंचायत प्रधान और एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिल के, तो हमने अक्टूबर को 100% सेकेंड डोज भी 100% अचीव कर लिया था। उस दौरान हम सब कई बार, एक बार तो हमें ऐसा हुआ कि हम वैक्सीनेशन टीम के सारे मेंबर्स को पॉजिटिव हो गए हमारी टीम के, लेकिन फिर भी जब जैसे ही ठीक हुए
तो नेक्स्ट डे जाके हमने दोबारा से वही काम शुरू किया और इस दौरान हमारे DIO डॉक्टर हमेशा ये भी पॉजिटिव हुई थी और मैं भी दो बार पॉजिटिव हुआ था, लेकिन हमने फिर भी किया, सबने मिलकर लास्ट में हमने जीत हासिल की। अन्वेषा एंड सुभाष जी, यू आर बोथ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आप जैसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर्स के कारण आई थिंक हम सभी सुरक्षित रहे हैं। एंड सो दैट विल बी आवर रैप फॉर द चैट टुडे। स्टे वैक्सीनेटेड, स्टे सेफ।